दोस्तों आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे अगल बगल घर में पड़ोस में फोन पर यानी कि 40-80% ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार में डूब चुके हैं। दोस्तों यदि आप व्यभिचार से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो सर्च करें कि व्यभिचार से कैसे बचें तो आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन उसमें एक भी काम की नहीं होती है। दोस्तों पुराने समय में जब इतने मल्टीमीडिया के संसाधन नहीं थे जैसे टीवी, मोबाइल फोन या अदर नेटवर्किंग, तो इतने व्यभिचार भी नहीं होते थे। लेकिन जब से मोबाइल फोन आ गया तब से व्यभिचार 2 गुना नहीं 4 गुना तक बढ़ गया है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल फोन गलत है, नहीं, गलत उन लोगों के लिए है जो इन्हें गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। दोस्तों जब हम मत्ती अध्याय 5:27 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। दोस्तों आप जानते होंगे कि कोई भी पाप जो है मन से ही उत्पन्न होता है। यदि हम किसी को मारने की साजिश करते हैं तो भी उसकी प्लानिंग हम सबसे पहले मन में ही करते हैं। उसी तरह किसी से अगर व्यभिचार करना हुआ तो वो भी मन से ही स्टार्ट होता है। यानी पाप का बीज जो है ना दोस्तों, वो सबसे पहले इंसान के मन से ही उत्पन्न होता है। तो इस मन को कैसे रोका जाए? भजन संहिता अध्याय 141:4 में दाऊद कहते हैं, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे और अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं। यिर्मयाह अध्याय 17:9 में मन के बारे में कहा गया है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो दोस्तों मन क्या है? मन में बहुत तरह की बुराइयां हैं। मन करेगा व्यभिचार करने के लिए, मन करेगा चोरी करने के लिए, मन करेगा किसी के लालच में आकर झूठ बोलने के लिए। तो मन से ही सारी बुराइयां उत्पन्न होती हैं। तो हमें इस मन की बातों को नहीं मानना है, क्योंकि ये मन तो धोखेबाज मन है, इसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं। यहाँ लूका 11:28 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। तो हमें परमेश्वर के वचन को मानना है और इसे अध्ययन करना है। जैसे जैसे हम इस परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मन भी शुद्ध होता जाएगा, मन बदलता जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है मन को शुद्ध रखने के लिए, केवल ये परमेश्वर का वचन। दोस्तों जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएँ दी थी तो उनमें से एक आज्ञा ये भी थी कि व्यभिचार से बचे रहना। लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है दोस्तों जिससे निकल पाना शायद ही इतना आसान होता। इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब उसको व्यभिचार की लत पड़ जाती है यानी जब वह व्यभिचार के पाप में डूब जाता है तो वह डूबता ही चला जाता है। आपने बाइबल में सैमसन का नाम तो सुना ही होगा। सैमसन इतना ताकतवर था कि वह अकेले ही सैकड़ों हजारों लोगों को मार गिराता था, लेकिन जब वह एक स्त्री यानी कि डिलायला के चक्कर में पड़ गया तो उसका सारा ताकत नाश हो गया। राजा दाऊद भी सैमसन की ही तरह ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने भी बतशेबा के चक्कर में पड़ करके अपने आप को व्यभिचार में डाल दिया। तो व्यभिचार दोस्तों किसी को नहीं छोड़ा है, उससे बचने के लिए बस एक ही उपाय है, ये परमेश्वर का वचन। 1 कुरिन्थियों 6:15 में संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। दोस्तों व्यभिचार में पढ़कर आप कभी ऐसी गलती ना कर लेना कि बाद में चलकर आपको पछताना पड़े। आज आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी 2-2 स्त्रियां हैं, 3-3 स्त्रियां हैं और उनका जीवन नर्क से भी बदतर बन चुका है। आज उनके घरों में हमेशा क्लेश झगड़े ही चलते रहते हैं, उनके जीवन में कहीं भी शांति नहीं है।
कहीं ऐसा ना हो कि आपको दो पल की सुख पाने के लिए आपका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप व्यभिचार में पढ़कर कभी भी ऐसी गलती ना करना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।